आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी को वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई तथा टेंट सिटी का किया उद्घाटन। गाजीपुर व जमानिया के लोगों ने 13 जनवरी को वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई तथा टेंट सिटी का उद्घाटन का वीडियो प्रसारण सुना। बता दें कि इन दोनों परियोजनाओं से क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास से विकास के कई रास्ते खुलेंगे। जमानिया पक्का घाट से प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण लोगों ने सुना। इस दौरान उपजिलाधिकारी भारत भार्गव, क्षेत्राधिकारी विजय आनंद शाही, तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा सहित नायब तहसीलदार अवनीश कुमार आदि के साथ काफी संख्या में नगरवासी गण उपस्थित रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी के दिन शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतरदेशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। बताया जा रहा है कि MV गंगा विलास ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा को शुरू किया तथा 51 दिनों में लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा करके भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। MV गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 सुइट है। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक पूरी यात्रा के लिए जा रहे हैं। MV गंगा विलास क्रूज को दुनिया के सामने देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है। विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की क्रूज की 51 दिनों की यात्रा की योजना बनाई गई है। ये यात्रा पर्यटकों को एक शानदार अनुभव देगी और भारत व बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता में शामिल होने का अवसर देगी। रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के प्रयास के अनुरूप इस सेवा के लॉन्च के साथ रिवर क्रूज की विशाल अप्रयुक्त क्षमता का लाभ प्राप्त करना संभव हो जाएगा और ये भारत के लिए रिवर क्रूज टूरिज्म के एक नए युग का सूत्रपात करेगी। क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को दोहन करने के लिए गंगा नदी के तट पर टेंट सिटी की परिकल्पना की गई है। ये परियोजना शहर के घाटों के सामने विकसित की गई है, जो विशेष रूप से काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद से वाराणसी में रहने की सुविधा प्रदान करेगी और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करेगी। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। पर्यटक आसपास के विभिन्न घाटों से नावों द्वारा टेंट सिटी पहुंचेंगे। टेंट सिटी हर साल अक्टूबर से जून तक जारी रहेगी और बारिश के मौसम में नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण 3 महीने के लिए हटा दी जाएगी। अंतरदेशीय जलमार्ग परियोजनाओं से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और बर्थ को लगभग 3,000 डेडवेट टनेज तक के जहाजों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के हाथों से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर, चोचकपुर व जमानिया तथा बलिया जिले के कंसपुर में 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी JT का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में पटना जिले के दीघा, नकटा दियारा, बाढ़, पानापुर और बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर में 5 सामुदायिक घाटों की आधारशिला रखी गई। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और क्षेत्र में स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में गंगा नदी के किनारे 60 से अधिक सामुदायिक घाटों का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने अपने विचार रखे और कहा कि छोटे किसानों, मत्स्य इकाइयों, असंगठित कृषि उत्पादक इकाइयों, बागवानों, फूलों की खेती करने वालों और गंगा नदी के भीतरी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कारीगरों के लिए सरल लॉजिस्टिक समाधान प्रदान करके सामुदायिक जेटी लोगों की आजीविका में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में
पूर्वोत्तर के लिए समुद्री कौशल विकास केंद्र का भी उद्घाटन किया और कहा कि ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में समृद्ध प्रतिभा पूल को तराशने में मदद करेगा और तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक उद्योग में रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। इनके अलावा प्रधानमंत्री गुवाहाटी में पांडू टर्मिनल में एक जहाज मरम्मत सुविधा और एक एलिवेटेड रोड की आधारशिला भी रखी ताकि पांडू टर्मिनल पर शिप रिपेयर सुविधा से कीमती समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि एक जहाज को कोलकाता रिपेयर फैसिलिटी तक ले जाने और वापस लाने में एक महीने से अधिक का समय लगता है। इसके अलावा इससे धन की भारी बचत भी होगी क्योंकि जहाज की परिवहन लागत भी बचेगी। पांडू टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जोड़ने वाली समर्पित सड़क 24 घंटे की कनेक्टिविटी को सक्षम करेगी। आजाद न्यूज के लिए गाजीपुर से ब्यूरो चीफ सलीम मंसूरी की रिपोर्ट।